Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. लेटर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु। तो तीसरा अध्याय देख रहे हैं हम लोग। स्क्रीन शेयर करता हूं, उससे पहले हम लोग प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य वेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। धनशास्त्र विचारणे कनिपुनो षड्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवनमन्यो शरण्याकरो श्रीराधा कृष्णपदारविन्द भजनानन्दे नमत्तालिको वन्दे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपालको सर्वस्य चाहं विधि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ध्यानम् अपोहनं च वेदेश्च सर्वैरेव वेदो वेदान्तकृत् उभेद विदिव चाहं। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन का तीसरा अध्याय, एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स फॉर एक्सेप्टिंग डिवोशनल सर्विस। तो हमने इसका काफी सारा तात्पर्य पढ़ा है, हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। तो आगे श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस संदर्भ में श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के अध्याय 25 के श्लोक नंबर 36 में कपिल देव जी ये अपनी माता देवाहुति को ये उपदेश दे रहे हैं। कहते हैं, हे प्रिय माते, मेरे शुद्ध भक्त मेरा रूप देखकर बहुत ही उत्साहित होते हैं। मेरे चेहरे की सुंदरता, मेरे देह का स्ट्रक्चर यानी मेरा देह इतना आकर्षित है, इतना एंचेंटिंग सम्मोहित करने वाला है। मेरी हंसी, मेरी लीलाएं, मेरी दृष्टि उनको इतनी सुंदर लगती है कि उनका मन हमेशा मेरे विचारों में डूबा रहता है और उनका जीवन पूर्ण तरह से मेरे प्रति समर्पित रहता है। यद्यपि ऐसे लोग इच्छा नहीं करते किसी भी प्रकार की मुक्ति की और किसी प्रकार की भौतिक सुख की कामना की, फिर भी मैं उनको अपने भक्तों के, अपने पार्षदों के बीच में जगह देता हूँ अपने वैकुंठ धाम में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे कपिल देव जो है, जो साक्षात भगवान ही है, वो अपनी माता देवाहुति को उपदेश कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि मेरे भक्त जो है मुझसे हमेशा, मतलब सारे जो भगवान के भक्त हैं, हम लोग एक कैरेक्टरिस्टिक इसमें ये समझ सकते हैं कि भगवान के भक्त भगवान के रूप से, उनके हंसी से, उनकी लीलाओं से, उनकी दृष्टि से, हर प्रकार से वो उनसे सम्मोहित रहते हैं और इसलिए उनके मन में हमेशा उनके उनका विचार चलते रहता है। और हम लोग देखते हैं गोपियाँ कैसे हमेशा भगवान के प्रति आकर्षित रहती थी और जैसे ही भगवान बुलाते थे तुरंत वो सब छोड़ छाड़ के वन की तरफ भाग जाती थी। तो ऐसे ही भक्त जो है वो हमेशा भगवान से सम्मोहित रहता है, वो हमेशा उनसे आकर्षित रहता है और उनका जीवन पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित रहता है। और जैसे हमारा ये चैप्टर चल रहा है, हम देख रहे हैं कि भक्त को किसी भी प्रकार की कोई सुख की
आशंका या उनको कोई भी उनकी कामना नहीं रहती है कि कामना वर्ड सही है, उनको कोई कामना नहीं रहती ना ही वो मुक्ति चाहते हैं, फिर भी मैं अपने धाम में अपने भक्तों के बीच में उनको जगा देता हूँ, यदि भी उनको नहीं चाहिए होता है फिर भी, मतलब भगवान के भक्त अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि वो न चाहते हुए भी उनको अपने पास रखते हैं। फिर यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं श्रीमद भागवतम का ये जो प्रूफ है ये हमको बताता है कि कैसे भगवान के शुद्ध भक्त जो है वो संग से वो एलिवेट होते हैं। फिर श्री रूप गोस्वामी जी इस संदर्भ में कहते हैं कि वन हु इज एक्चुअली अट्रैक्टेड, जो भगवान के सुंदर चरण कमलों से आकर्षित होता है या उनकी सेवा से आकर्षित होता है और ऐसे आकर्षण से वो हमेशा सुख, आध्यात्मिक सुख ट्रांसेंडेंटल ब्लिस का अनुभव करता है और उसे कभी भी किसी मुक्ति की कामना नहीं होगी, जो एक निराकार वादियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ पे प्रभुपाद जी आगे कह रहे हैं ऐसा ही एक संदर्भ तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय के श्लोक नंबर 15 में आता है। यहाँ पे उद्धव जी भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रिय भगवान, जो व्यक्ति आपकी सेवा में लगा है उसके लिए नथिंग वर्थ ऑब्टेनिंग फ्रॉम, मतलब जो धर्म अर्थ काम मोक्ष से जो भी प्राप्त करने योग्य वस्तु है उसको उससे कोई ये नहीं होता है, यद्यपि सुख अलग अलग स्तोत्रों से आता है और वो उसको मतलब बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकता है, लेकिन फिर भी उसको उसकी कामना नहीं रहती। इतना सब होते हुए भी हे प्रिय भगवान, मैं ऐसी किसी भी जो है निष्कर्ष को या किसी भी रिजल्ट को मैं, मेरी कामना नहीं है, मेरा सिर्फ यही प्रार्थना है कि मैं आपके चरणों के प्रति मेरा दृढ़ विश्वास अपना बना रहे, अपना भक्ति बना रहे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस अध्याय में अभी तक हमने देखा कि कैसे जो एक शुद्ध भक्त का क्या आकांक्षाएं हैं, क्या सॉरी उनकी क्या कामनाएं हैं वो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग उनको सिर्फ भगवान का प्रेम चाहिए। और फिर मैं खाली एक पैराग्राफ पढ़ के यहाँ पे रुकता हूँ। यहाँ पे आगे कह रहे प्रभुपाद जी कि ऐसा ही संदर्भ तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के श्लोक नंबर 34 में आता है, जहाँ पे भगवान कपिल अपनी माता को उपदेश देते हैं। वो कहते हैं कि प्रिय माते, भक्त जिसके हृदय में मेरे चरणों के प्रति सेवा का भाव है, जो मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, खास करके वो सौभाग्यशाली भक्त जो एकत्रित होते हैं मेरे गुणों को समझने के लिए, मेरे लीलाओं को समझने के लिए, मेरे रूप को समझने के लिए और मेरा वर्णन करते हैं कॉन्ग्रीगेशनली सब सारे मिलकर, और इसमें दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं, उनका कभी भी मुझसे एकाकार करने का उनका इच्छा नहीं होता। यहाँ पे हम देख रहे हैं साक्षात भगवान ये कह रहे हैं, जो जो निराकारवादी का जो जो सबसे उच्चतम उनका ध्येय है कि मुझे भगवान में लीन होना है, वो उसका खंडन कर रहे हैं कि मेरे जो शुद्ध भक्त ऐसा कभी नहीं चाहते। मतलब एक भक्त के मन में जब ये भगवान के चरणों के प्रति सेवा करने का भाव आ जाता है, भगवान के संतुष्टता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो वो ऐसे भक्त जो है वो सारे सम्मिलित होकर, मतलब जो अच्छे भक्त हैं वो सारे एकत्र जमा होकर उनके गुण रूप लीला को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये इस तात्पर्य में आता है। यहाँ पे मैं रुकता हूँ, किसी का कोई एडिशनल कमेंट कुछ है, कुछ क्वेश्चन से तो लेते हैं। हरे कृष्णा। ओके, कुछ नहीं है तो हम लोग रुकते हैं। श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय।
श्री रूप गोस्वामी पाद की जय। श्री रूप पाद की जय। हरे कृष्ण।